ओटवाला में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित FLN प्रशिक्षण शिविर का CBO ने किया औचक निरीक्षण। सायलापुर क्षेत्र के राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय ओटवाला में चल रहे 6 दिवसीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित FLN प्रशिक्षण शिविर का शुक्रवार को सायला CBO भवलाल परमार ने औचक निरीक्षण किया। CBO परमार ने बताया कि प्रशिक्षण जीवन का अभिन्न अंग है, अतः सभी प्रशिक्षणार्थी बड़े सहज रूप से प्रशिक्षण की बारीकियों को समझकर विद्यालय में जाकर प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाए ताकि बालकों में बुनियादी दक्षता विकसित हो सके। प्रशिक्षण को बड़े ही सहज भाव से लेकर इसका धरातल पर प्रयोग करें। शिविर प्रभारी लुम्बाराम ने बताया कि इस प्रशिक्षण को संभागी बड़े ही सहज भाव से ले रहे हैं और इसका आउटपुट विद्यार्थियों को बारीकी से देवे। उन्होंने बताया कि एयरप्लेन FLN इस बात पर बल देता है कि छात्र छात्राओं को कक्षा 3 तक के स्तर की जानकारी बुनियादी दक्षता है पढ़ना लिखना और समझकर पढ़ना और किसी बात पर समझ बनाना एवं संख्या ज्ञान के अंतर्गत जोड़ घटाव गुणा भाग इन संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी होना ही बुनियादी दक्षता है। शिविर में दक्ष प्रशिक्षक हीर सिंह, बालकृष्ण शर्मा, कुयाराम मेघवाल, राजकुमार नोपाराम, वालाराम व कन्हैयालाल सत्रानुसार और प्रशिक्षण मॉड्यूल अनुसार संभागियों को नवासार से अवगत करवा रहे हैं। इस दौरान व्यवस्थापक सुरेश बेनीवाल भी मौजूद रहे। इसका नाम है सफल और ये सरकार राजस्थान सरकार करवा रही है। इस प्रशिक्षण में हम लोग ज़्यादातर चीज़ें FLN के संबंधित ले रहे हैं, जिसमें ये लक्ष्य भी रखा गया है कि कम से कम 2027 तक बच्चों को बुनियादी संख्या ज्ञान और भाषा आ जाए, उसी के संदर्भ में ट्रेनिंग हो रहा है। और इस ट्रेनिंग में हमने संभागियों के साथ बुनियादी भाषा और संख्या ज्ञान पर बाकायदा डिटेल से बताया है। भाषा के सत्र में बुनियादी भाषा के जितने भी घटक हैं, जैसे मौखिक भाषा विकास है, शब्द भंडार है, धारा प्रवाह पढ़ना है, उस पर सारे सत्र पे संभागियों के साथ चर्चा हुआ है। गणित में हम लोग शुरुआत किए हैं बुनियादी संख्या ज्ञान से, जिसमें हम लोग संख्या पूर्वावधारणा से लेकर के जोड़ बाकी गुना को करते हुए हम लोग जितने भी संक्रियाएँ हैं उस पर हम लोग करेंगे। और इस सत्र में संभागियों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है और पिछले साल जो ट्रेनिंग हुई है उसका एक्सटेंशन के रूप में देखा जा रहा है। और ये महसूस भी होता है संभागियों से बात करके कि पिछले ट्रेनिंग के अनुसार कुछ चीज़ें ग्राउंड लेवल पे आई है और संभागियों के साथ चर्चा करते हुए जितने भी चीज़ें ट्रेनिंग्स में होती है बाकायदा सवाल जवाब करते हैं ये लोग और अच्छे तरीके से पूरा ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें सारे लोगों का, सारे सहपाठियों का, संभागियों का एक अच्छा संयोजन है, एक अच्छा सार्थक तरीके से सहयोग है। NEP 2020 के तहत NCF FS स्टेज के तहत 2022 में FLN जो पहली से पाँचवीं तक पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके लिए बुनियादी साक्षरता और बुनियादी संख्या ज्ञान से संबंधित 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बालक को उसको अंक ज्ञान कराना, संख्या ज्ञान कराना या किताब पढ़नी सिखाना या अंग्रेजी से संबंधित बेसिक जानकारी जो हमारे भारत सरकार की मंशा है उसको पूर्ण करने के लिए यहाँ रह करके सब पूर्ण मनोयोग से अपना प्रशिक्षण प्राप्त। समय को देखते हुए सरकार ने जो पहले पुरानी परीक्षा पद्धति की व्यवस्था थी उसके अंदर क्या किया, परिवर्तन किया। NCF 2020 जिसके अंतर्गत भी विद्यालय के अंदर पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु का समय समय पर क्या उन पालकों का आकलन किसी बाहरी शिक्षक या पद्धति से किया जाता है या विद्यालय के अंदर ही किया जा रहा है, अपन CCE के अंतर्गत कर रहे हैं। आप में से बताइए, आप अपने विद्यालय के अंदर बालकों का आकलन करते हैं?